इलेक्शन में ना नीतीश की सरकार नहीं रहेगी और योगी को हम लोग यहाँ से भी जिताएंगे हम लोग। हम लोग तो एमपी में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, यहाँ की सरकार नीतीश कुमार हम लोग जान रहे बिहार की सरकार, वो हम लोग के लिए कुछ नहीं किए, हम लोग खुद के पैसे से प्राइवेट जिस बस की है और उससे हम लोग यहाँ पे आए, और उसके अलावा कल रात के 1 बजे से लेके अभी तक हम लोग भूखे हैं, कुछ नहीं हम लोग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और बात रही प्रशासन की, वो बार बार आके हम लोग को देख रही है और हम लोग के मारने के ऊपर विचार लगा रही है कि हम लोग अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मारेंगे, और बता रहे बाहर की जो हो रही है सैनिटाइजेशन पूरी बस, एक बार अगर जा रहा है कोई तो बस पूरी सैनिटाइज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। और यहाँ का जो रूल है चेकिंग करने की, तो रूल ये ऐसी बनी है कि आपका नाम ले लिया और आप कहाँ से आए हो और आपको बाहर वेट करना है, उसके बाद आएगा बस फिर आपको ले जाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा वो कोई पता नहीं, बस आपको चेकिंग नहीं किया जाएगा। हम लोग के पास प्रूफ है, हम लोग चेकिंग करवा के आए कटनी से, और हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग जो साथों हैं हम लोग साथ में रहे, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और जो भी मुंबई दिल्ली गुजरात जितने भी रेड जोन के आदमी सारे हैं, जितने भी पेशेंट सारे हैं, वो लोग के साथ हम लोग को नहीं रखा जाए और हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रीन जोन से आए जहाँ की एक भी पेशेंट जन्म नहीं लिया और वहाँ पर वायरस का तो कोई नाम ही नहीं था, जहाँ मध्य प्रदेश कटनी अगर नहीं विश्वास है तो चेक कोई भी कर सकते हो। और सूरत में जैसे हुआ है ना दंगा, अगर हम लोग को मेरी हम लोग की मांग नहीं पूरी की जाएगी तो बिहार में बेगूसराय में ये भी यही होगा, और देखते हैं कौन रोक सकता है। और हम बता रहे हैं नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन में ना नीतीश की सरकार नहीं रहेगी और योगी को हम लोग यहाँ से भी जिताएंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग हो गए मैच्योर और हम लोग 19 के हो गए हैं और हम लोग भी वोट दे सकते, तो हम लोग का भी हक है, क्योंकि हम लोग मतलब कल के जनरेशन का फ्यूचर है। बस इतना ही बोलेंगे, बस हम लोग की मांग पूरी की जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव देव हुआ। साथ यह हुआ क्या सर, हम लोग कल एमपी से आए हैं, समझ रहे हैं ना, और रात में हम लोग को जब एमपी कटनी से निकले हैं ना, तो हम लोग मेडिकल करा के निकले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरा मेडिकल, क्योंकि हम लोग सोचे अगर घर में जाते हैं तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे चले आए हैं रात में 1 बजे, कि यहाँ पे चेक करा के घर चले जाएंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे आए हैं ना तो सुबह से हम लोग को क्या कर रहा है, चला जा रहा है, क्या अब चेक होगा, अब चेक होगा, चेक तो कुछ हुआ नहीं है मेरे पास। अच्छा क्या सबका नाम ले लिया गया और पूछा कहाँ रहने वाला, कहाँ से आया हो, तो बोल दिया एमपी से, तो कहता जाओ फुलवाड़ी में बैठो, यहाँ बैठे हुए थे, आया सबको बस में भर के लेके जा रहा, बोले सर कहाँ जा रहे हैं, क्वारंटाइन में जहाँ रखा जाएगा, बोले सर यहाँ चेक अभी तो हुआ नहीं तो क्वारंटाइन में क्या, तो इसी बात पर बोलने लगा। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए, कुछ ख्याल यहाँ पे लिया नहीं जाया जा रहा, हम लोग के साथ जबरदस्ती हो रहा, बार बार आदेश दिया जा रहा है कि ये लोग नहीं मानेगा तो मारो डंडे से, बताइए कहाँ की ये राय न्याय है जो हम लोग को डंडे से मारेंगे, इसमें क्या गलत है बताइए। हम लोग देखिए अपना सेफ्टी के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक तो सरकार तो बस या रेल एमपी से तो चला ही नहीं है, हम लोग खुद सेफ्टी के लिए अपना बस पैसा लगा के 7,000 रुपया लगा के अपना सेफ्टी करके हम लोग बस से आए हैं कि कोई तरह से किसी से टच ना हो और किसी को इन्फेक्शन मेरे में ना हो, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग इनसे यही मांग कर रहे हैं क्या, ये छोटी से हम लोग का मांग है, हम लोग का है क्या, देखिए हम लोग में तो कुछ है ही नहीं है, वहाँ पे चेक करा लिए हैं, आप यहाँ से एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद होगा तो हम लोग को हम क्वारंटाइन कर दीजिए, हम लोग 14 दिन के लिए घर में रहेंगे, या तो फिर अगर हम क्वारंटाइन नहीं करना चाहते तो हम लोग 7 लोग हैं, हम लोग को एक साथ एक रूम में रखिए, समझ जाए ना, ना वहाँ पे ना कोई दिल्ली वाला होना चाहिए, ना मुंबई का, ना अदर कोई स्टेट का, समझ जाए ना, क्योंकि हम लोग अपने सेफ्टी से आ रहे हैं ना, अगर उसमें हम टच करेंगे तो फिर उन्हें इन्फेक्शन मेरा हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा हम मांग कर रहे थे, ये लोग मान ही रहे हैं, सैनिटाइजर के नाम पे पानी छिड़का जा रहा है, कह रहे हैं क्या हमको, रहो तुम लोग यहाँ पे कब तक रहते हो, हम लोग बोले सर हम लोग मेरा नाम अमरी वसीम हुआ, हम मुस्लिम समुदाय से हैं, सुबह से हम रोजा रखे हुए हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं रोजा रखे, बोल रहा है यहीं पर रहो तुम, बोले ठीक है सर हम यहाँ रहेंगे, जब 1 दिन होके रह सकते हैं 5 दिन भी यहाँ होके रहेंगे, तो बोलता है यहीं पर रहो, देखते हैं तुम कौन क्या कर लेता है, कॉल लगा सभी जगह कोई कॉल का रिसीव नहीं दे रहा है, ना डीएम ना कलेक्टर कहीं भी कॉल कर रहे हैं, बड़ा बाबू कॉल लगे वो बोले आते हैं अभी तक वो भी नहीं आए, बताइए हम लोग का प्रॉब्लम कौन सुनेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी वसीम हुआ।